कन्हैया के सामने पहुंचे और जो कन्हैया ने महादेव को देखा, कन्हैया कह रहे वाह, आप तो समझ रहे थे हम ही नटखट हैं, आज पता चला कि तुम तो हमसे भी बड़े कारीगर हो। और महादेव जी ने जब कन्हैया को देखा तो शर्म के मारे पीठ फेर के खड़े हो गए। अब कन्हैया इतने प्रसन्न हुए, श्रृंगार तो पूरा ही था पर साड़ी नहीं पहने, गोपी बन के आए थे ना तो श्रृंगार पूरा है। तो कन्हैया ने भगवान का नाम रख लिया गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर भगवान की। तो महाराज होने के बाद महादेव जी पार्वती जी को लेकर आए कैलाश पर्वत पर। सब देवियां आई लौट करके, सब गोपियां लौट आई, और इस प्रकार से श्री हरि जी ने सब गोपियों के साथ में महाराज किया। अब आइए छठवें रोज की।